नमस्ते जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो है जब बाला साहेब ठाकरे के सामने मंदिर टूटने लगे, तो उस टाइम पर जो है ये वीडियो हम देखेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो ये वीडियो गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है टेंपल के ऊपर और देखते हैं बालाजी, जो कि बहुत ही ज्यादा इनको लाइक करते थे जब उनकी गवर्नमेंट थी, और स्पेशली महाराष्ट्र में आई थिंक शिवसेना के नाम से जो गवर्नमेंट चल रही है वो उसमें उनके जो हैं वो हेड बालाजी थे, जहां तक मुझे आइडिया है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। सो जल्दी से चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप मेरी ओरिजिनल वीडियो यहाँ पर देख सकेंगे। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। कल सुबह ड्यूटीज में तुम लोगों के बाहर फेंकूंगा राजा राज बिहारी को, और पूरा मंदिर तोड़ दूंगा मैं, जमीन खाली कर दूंगा। महाराष्ट्र में मंदिर टूटेगा शिवसेना के होते हुए, बाल ठाकरे के होते हुए मंदिर टूटेगा जी? कि बाबरी मस्जिद में क्या आपका हाथ कहाँ है इसके अंदर? भगवान को एडवेंचर पसंद है, एकदम जब नक्को नक पहुंचेगा ना, तब वहां कुछ वो ट्विस्ट मारेंगे भगवान। जंग की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, वो है इसको अंजू के लिए। प्रभुपाद जी भी हार नहीं रहे, इसलिए एक्चुअली मिस्टर नायर को हैरानी ये थी कि भाई ये स्वामी प्रभुपाद जी जमीन को लेकर जो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं? एक तो प्रभुपाद जी का था कि ना ये इस बदमाश आदमी को मैं जमीन वापस नहीं दूंगा, तो प्रभुपाद जी का था, बिकॉज ये मतलब इसको नहीं देनी है। तो सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, ही प्रॉमिस टू राधा राज बिहारी, आई विल बिल्ड अ टेम्पल फॉर यू हियर। तो जब बोला है भगवान को, तो भगवान फिर आपका वचन तो मुझे पूरा करना है। इससे प्रभुपाद जी कह रहे नहीं, वी विल, तो अब वहीं पे बने रहो, भले हमारा वो कैंसिल हो गया, बट यू वी स्टिल बी देयर। प्रभुपाद जी ने एक और मीटिंग के लिए बोला मिस्टर नायर को। दिस टाइम मतलब मिस्टर नायर वाज वेरी फ्यूरियस ऑल्सो, मतलब बहुत ही बदतमीज भाव था। कहता है बिल्कुल कोई पैसा नहीं मिलेगा, लैंड मेरी है, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, स्वामी जी मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, और कल सुबह आ रहा हूं मैं, कल सुबह ड्यूटीज में तुम लोगों के बाहर फेंकूंगा राधा राज बिहारी को, और पूरा मंदिर तोड़ दूंगा मैं, जमीन खाली कर दूंगा। और प्रभुपा जी जो है कुछ बोले नहीं, प्रभुपा जी आ गए। अगले दिन खबर आई कि मिस्टर नायर जो है उनको हार्ट अटैक आया, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड वेरी सून ही डाइड। तो उसकी जब मृत्यु हुई तो प्रभुपा जी ने फिर बोला, मोदित साधुर अपि वृश्चिक सर्प हत्या। मोदित मतलब प्रसन्न होता है, कौन? साधु भी, किस पे? वृश्चिक यानी कि बिच्छू के या सांप की हत्या पे। सो मिस्टर नायर जो था वो ही वॉज एक्चुअली लाइक वृश्चिक एंड सर्प, लेकिन जो वाइफ थी ना शी बिकेम वेरी अग्रेसिव, तो उसने इसको और मूविंग को आगे लिया कि मेरे पति मर गया, इनसे लोगों से लड़ते लड़ते मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। तो उसने कोई हुडलम्स और कुछ हुडलम्स भी थे, पुलिस वाले भी थे, उनको भेजा और कि तोड़ फोड़ करो, और वो आए, उन्होंने सब तोड़ फोड़ वगैरह करनी शुरू कर दी। अब डिवोटीज ने उस वक्त क्या किया, डीटीसी रक्षा की, राधा राज बिहारी जी की रक्षा की, पर वो सब तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, वो सब तोड़ रहे थे, वो डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। तो उस वक्त क्या हुआ, फिर डिवोटीज ने दे अप्रोच समबडी नोन एज मिस्टर चंद्र महादेविया, ही इन्फॉर्म्ड बाल ठाकरे, और बाल ठाकरे जो थे उन्होंने कमिश्नर को फोन किया कि जी आपने कोई ये कौन सा ऑर्डर दिया है मंदिर तोड़वाने का, महाराष्ट्र में मंदिर टूटेगा शिवसेना के होते हुए, बाल ठाकरे के होते हुए मंदिर टूटेगा जी? शिवसेना कमिश्नर ने बोला मैंने ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं। तो तुरंत जो है ग्रुप ऑफ पुलिसमैन और ये लोग वहां पहुंचे, उन्होंने बोला भाई कौन सा ऑर्डर है तुरंत, और अभी मतलब आखिरी पिलर तोड़ने वाले थे कि बस अभी छत टूटेगी, राधा राज बिहारी नीचे ही है। एट दैट मोमेंट, भगवान को एडवेंचर पसंद है, एकदम जब नक्को नक पहुंचेगा ना, तब वहां कुछ वो ट्विस्ट मारेंगे भगवान। तो इस प्रकार से बाल ठाकरे ने स्टॉप दिया, एंड ही वाज लाइक दिस, ही वाज वेरी बोल्ड फॉर हिंदुइज्म। He said this, you know, yes, I am Hindu. I am wild, wild Hindu. I am bold, bold Hindu. That's what he is. I am a Hindu, a mad, mad Hindu. Babri Masjid ke liye kisne pucha ki Babri Masjid mein kya aapka haath kaha hai iske andar? Kehte nahi, haath nahi, paon raha hai. To usme Shiv Sena ka haath rehta hai. Haath nahi, paon rehta hai. That was Bal Thackeray. So he was like, pakka wala Hindu actually.
पीपल यूज टू फील प्राउड ऑफ हिम. ही वॉज लाइक योगी आदित्यनाथ इन मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड मोड. अर्लियर ही वॉज अ कार्टूनिस्ट, यूज्ड टू मेक कार्टून्स, और कार्टून सच क्रिएटिव इंटेलिजेंट कार्टून्स यूज्ड टू मेक. बाल ठाकरे न्यूज पेपर बनाया करते थे, बट ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो एक बार उनके एडिटर ने बोला था कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके ऐसा कर दो ना, दिस इज दैट. ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज. तो ना जब इनका, तो इनका बॉस इनको डांट लगा रहे बाल ठाकरे को. When he was working as a cartoonist, he made वहीं के वहीं cartoon of resignation. और वो ये था, इनका खुद का cartoon बनाया और boss को उसके उस पे लात मारते हुए कहते here is my resignation. cartoon में resignation दिया, cartoon ना करके, where he kicking at the bum of boss. कहते here is my बाल ठाकरे was like that, very bold, very fearless kind of person. Yet at heart very soft, बाल ठाकरे. So, ये उन्होंने रक्षा की, एक्चुअली रक्षा की यहाँ पर हरे कृष्णा डिवोटीज की, नहीं तो ऐसी राधा राज बिहारी का मंदिर रुकने वाला. पर यस, उस वक्त जो है जो डिमोलिशन का काम था वो रोका गया. अब जो डिवोटीज है ना, दे वर वेरी एंक्शस ही ना, ये क्या हो कह रहा है, हम यहाँ राधा राज बिहारी का सुंदर मंदिर बनाना चाहते हैं और यहाँ पर इतनी दिक्कत जा रही थी. मिस्टर नायर, उसके बाद मिसेज नायर और जुड़ गई है. प्रभुपाद ने कहा दिस इज ऑल कृष्णास प्लान. कृष्णा जो है समटाइम्स यू नो ही लाइक्स ऑल ऑफ दिस, बिकॉज सिंपल चीजें भगवान को पसंद नहीं है. सिंपल हो, हम मंदिर के लिए परमिशन लेने गए, परमिशन मिल गई, ऐसा हो गया तो वो भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया. हाँ, ये तो बहुत सिंपल हो गया जी. कृष्ण तो कृष्ण इज वेरी एडवेंचरस. जैसे वृंदावन में जब तक भगवान कृष्ण नहीं आए थे, एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल. भक्त लोग बड़े अपना आराम से रह रहे थे ब्रज के अंदर. एडवेंचर शुरू हुए जब कृष्ण की एंट्री हुई वृंदावन के अंदर. वो लो जी पूतना शक्टासुर, ये वो अघासुर सब आने शुरू हुए जब कृष्ण आए. तो जहां कृष्ण आते वहां एडवेंचर आ जाता है. लेकिन एट द एंड एवरीथिंग इज मधुरम. तो भाई यहाँ पे वीडियो एंड होती है. ये एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो थी बालराज ठाकरे जी के बारे में. एक्चुअली बालराज ठाकरे जी जो हैं वो एक मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी एक पर्सनालिटी हमेशा ही लगी है, क्योंकि वो हमेशा एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे और एक तो उनकी बातों में ना लॉजिक नजर आता है. उनकी बातों में हमेशा मुझे एक लॉजिक नजर आता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वीडियो वॉच करके उनको. तो गाइज, इसमें उन्होंने ये बात कही है कि जैसे कि वो मंदिर टूटने की बात की गई, तोड़ने की बात की गई, एक्शन लिया गया, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल आपको मालूम है कि वो बना दो, वहां पर उनको तोड़ने की बात की गई. तो मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने तोड़ने की बात क्यों कही, क्योंकि टेम्पल बना हुआ तोड़ना क्या मतलब बनता है. अगर हाँ इलीगल तरीके से बना है या किसी की जगह पे बनाया वो एक अलग बात होती, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात नहीं थी तो फिर क्यों, किस चीज की वजह से मंदिर के ऊपर मतलब कि एलिगेशन लगाए या तोड़ने की बात की गई, ये कमेंट में आप मुझे बताना. बाकी बालराज ठाकरे जी जो है वो, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो शिवसेना, तो वो तो है ही, नाम ही उनकी पार्टी का नाम सनातन धर्म से रखा गया है, तो कैसे वो हो सकता था कि उनके होते हुए ये सारी चीजें इस तरह से हों. तो गाइज, अच्छा लगा कि एटलीस्ट उन्होंने ये काम होने से रोका, मतलब मंदिर टूटने से, और उन्होंने कहा कि शिवसेना के होते हुए कैसे हो सकता है, बालराज ठाकरे के होते हुए किस तरह से हो सकता है कि मंदिर टूट जाए. तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस तरह से कहा और जो है वो मंदिर को टूटने से बचा लिया. और आई थिंक कि बालर जैसे लोग जो हैं और इनके जैसी सोच जो है रखने वाले लोग अब बहुत कम रह गए हैं. और जो है हाँ, हम ये कह सकते हैं मोदी जी हैं अभी तो सब कुछ अभी भी सही है. उनकी गवर्नमेंट में ही अब राम मंदिर बनने जा रहा है, बन रहा है. तो ये मोदी जी भी मतलब कि दूसरे बालाजी हैं, लेकिन दूसरे नहीं, हाँ, दोनों की पर्सनैलिटी तो अलग है लेकिन सोच काफी हद तक सेम है सनातन धर्म को लेकर. तो बालाजी की अगर हम बात करें तो अब शिवसेना की जो पार्टी है वो काफी ज्यादा डाउन हो गई है. उनको अब तो शायद इतना लोग नहीं रिस्पॉन्स करते, बट पहले की अगर हम बात कर लें तो शिवसेना ने उनको जो इतना उनकी रिस्पेक्ट थी वो आई थिंक इसी वजह से थी क्योंकि वो सनातन धर्म को बहुत ज्यादा आगे लेकर चलते थे और लोग उनको इस बात पर ज्यादा लाइक करते थे, जहां तक मुझे इन वीडियो से आइडिया हो रहा है उनकी बातों से. तो सबसे बड़ी बात ये कि बालाजी जो है वो उनकी बात करने का जो ठाकरे साहब की तरीका है, अंदाज है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ऐसा है कि सामने वाला सुनता ही ना चुप कर जाए.
तो बोलना ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आप बोलो और सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। सो गाइज, आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगा वीडियो वॉच कर। सो अच्छा लगा कि फाइनली मंदिर टूटने से बच गया। तो